दोस्तों आज हम बात करेंगे नोकिया के फोन्स के बारे में और ये जाने कि नोकिया के फोन्स आखिर बेस्ट के होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नोकिया बहुत ही पुरानी कंपनी है और हम सबके दिल के करीब है। किसी ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में नोकिया का फोन तो यूज करा ही होगा या फिर आपके घर में भी कहीं पुराना नोकिया का फोन तो रखा ही होगा। लेकिन जब एंड्रॉयड की शुरुआत हुई थी तब नोकिया ने एंड्रॉयड को छोड़ के विंडोज फोन का सहारा लिया और तब विंडोज ओएस वाले फोन्स को निकाला। लेकिन तब विंडोज ओएस जो था वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था और एंड्रॉयड ज्यादा अच्छा था और इसलिए एंड्रॉयड चला। लेकिन तब भी उनके फोन्स में ये बात बहुत अच्छी थी कि उनके फोन्स का जो हार्डवेयर था वो काफी ज्यादा अच्छा था, यानी कि जो बिल्ड क्वालिटी थी वो काफी अच्छी थी, जो बॉडी थी वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल थी, यहाँ तक कि कैमरा का हार्डवेयर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। जैसे कि उस समय वो अपने कैमरा के लेंसेज जो थे वो कार्ल ज़ीज़ के लेंस यूज करते थे और उस समय भी उनके फोन्स में OIS आता था। यहाँ तक कि 41 मेगापिक्सल वाला जो पहला कैमरा फोन था ना वो भी नोकिया ने ही निकाला था, लेकिन विंडोज फ्लॉप हो गया और विंडोज वाले फोन तो आज तो हमें देखने को भी नहीं मिलते। और उसके बाद नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा कबाड़ा कर दिया नोकिया का। और फिर आई HMD ग्लोबल जिसने माइक्रोसॉफ्ट से नोकिया का ब्रांड नेम को लाइसेंस किया ताकि वो नोकिया ब्रांड नेम के अंदर अपने फोन्स को बेच सके। और अगर आप लोगों को नहीं पता जो HMD ग्लोबल है ना वो भी फिनलैंड की कंपनी है जहाँ की नोकिया भी है, और जो HMD ग्लोबल है उसे नोकिया के एक्स एम्प्लॉइज चलाते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीदा था तो ये लोग कंपनी से अलग हो गए और इन्होंने अपनी नई कंपनी HMD ग्लोबल खोल ली। तो ये नई नोकिया है जिसमें आपको पुरानी वाली नोकिया की फील आ सकती है। तो जो लोग उस पुरानी नोकिया में थे वो लोग अब इस नई नोकिया में हैं। अब ऐसा होने से ये अच्छी बात हुई कि जो बातें पुराने नोकिया के फोन्स में अच्छी थी वो अब नोकिया के नए फोन्स में भी हमें देखने को मिल रही है। जैसे नोकिया के पुराने फोन्स ड्यूरेबल होते थे ठीक उसी तरीके से नोकिया के नए फोन्स भी ड्यूरेबल है, और जितनी अच्छी नोकिया के पुराने फोन्स की बिल्ड क्वालिटी थी उतनी ही अच्छी उनके नए फोन्स की बिल्ड क्वालिटी है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आज की डेट में जो आपको फोन्स मिल रहे हैं नोकिया के उनमें भी आपको वही बेस्ट बिल्ड क्वालिटी मिल रही है। और जब विंडोज फोन फेल हुआ था तब ये लोग समझ गए थे कि एंड्रॉयड ही आने वाला है और एंड्रॉयड ही फ्यूचर होगा और मार्केट में केवल एंड्रॉयड फोन्स ही चलने वाले हैं। और लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नोकिया ने ही अपने सारे फोन्स के अंदर अब स्टॉक एंड्रॉयड दे रही है। जैसे कि नोकिया 6 जो 2017 में लॉन्च हुआ था तब उस समय भी वो उस समय के लेटेस्ट एंड्रॉयड नोगट पे चलता था और धीरे धीरे उसमें सारे एंड्रॉयड के सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट भी आए और यहाँ तक कि उसमें एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट भी आया। और अब तो सारे नोकिया फोन्स जो 2018 से मिलना चालू हुए हैं ना वो सब एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितने भी नोकिया के नए फोन्स हैं ना उनके अंदर आपको फास्ट एंड्रॉयड की अपडेट देखने को मिलेंगी और जो सिक्योरिटी पैचेस होंगे वो भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे और जो स्टॉक एंड्रॉयड है ना वो ही देखने को मिलेगा। कोई आपको MIUI जैसा जो थीम्ड OS होता है ना वैसी कुछ स्किन आपको देखने को नहीं मिलेगी। और एंड्रॉयड 1 होने के कारण आपको ये भी गारंटी मिलती है कि आने वाले 2 साल तक की जो एंड्रॉयड अपडेट्स है वो भी ये लेगा। और अगर एंड्रॉयड ओरियो पे अगर कोई फोन रिलीज हो रहा है तो आने वाले 2 मेजर एंड्रॉयड अपडेट लेगा, यानी कि एंड्रॉयड P का और एंड्रॉयड Q का, और आने वाले 3 साल तक की सिक्योरिटी पैचेस के भी अपडेट लेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है नोकिया के लिए। तो आज की डेट में जो नोकिया के फोन है उनका हार्डवेयर भी बहुत अच्छा और उनका सॉफ्टवेयर भी अब अच्छा हो गया है, क्योंकि लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है और लोग प्रेफर करते हैं फास्ट एंड्रॉयड की अपडेट्स और स्टॉक एंड्रॉयड को ही लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए नोकिया भी अपने फोन्स के अंदर स्टॉक एंड्रॉयड देने लगी है। और एक बात यहाँ नोटिस करने वाली है कि जितनी दूसरी कंपनीज है वो स्टॉक एंड्रॉयड नहीं दे पा रही, अगर वो स्टॉक एंड्रॉयड देती है तो वो उतनी तेजी से अपडेट नहीं दे पा रही जिस तरीके से नोकिया एंड्रॉयड अपडेट दे रही है। और अब तो नोकिया 7 प्लस में तो आपको एंड्रॉयड P का बीटा भी मिलता है। इसका मतलब यह है कि वो एंड्रॉयड P का जो है बीटा वर्जन है वो चला रहा है। लेकिन जब एंड्रॉयड P जब ऑफिशियली रिलीज हो जाएगा तब नोकिया 7 प्लस में भी आपको कुछ दिन के बाद एंड्रॉयड P का अपडेट मिल जाएगा। और अगर बात करें कैमरा की तो जो नोकिया के प्रीमियम फोन्स होते हैं जैसे नोकिया 7 प्लस और नोकिया 8 उनके अंदर भी आपको कार्ल ज़ीज़ के लेंसेज देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी काफी अच्छी बात है, किसी दूसरी मोबाइल फोन की कंपनी के अंदर आपको कार्ल ज़ीज़ के लेंसेज देखने को नहीं मिलते लेकिन नोकिया के जो नए फोन आ रहे हैं उनमें भी आपको देखने मिल रहे हैं। और जो पुराने नोकिया के विंडोज फोन भी आते थे ना उसके अंदर भी आपको कार्ल ज़ीज़ के लेंसेज देखने को मिलते थे और उनकी पिक्चर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती थी। लेकिन एक बात जो थोड़ी सी खराब लगी नोकिया की वो है उनका कैमरा का सॉफ्टवेयर। एक्चुअली में कैमरा का हार्डवेयर काफी अच्छा है लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ना वो उतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कैमरा का जो सॉफ्टवेयर है पोस्ट प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं कर पाता जिससे जो इमेजेस है ना वो उतनी अच्छी हमें देखने को नहीं मिलती। यही एक कारण था कि जो नोकिया 8 का कैमरा था ना वो अच्छी फोटोग्राफ्स को नहीं ले पाता था। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी HMD ग्लोबल ने ढूंढ लिया है। उन लोगों ने क्या किया, जो लूमिया डिवाइस के अंदर जो कैमरा का जो सॉफ्टवेयर आता था ना उसे भी माइक्रोसॉफ्ट से अब ले लिया है। तो अब ये होगा कि इस नए सॉफ्टवेयर के साथ जो नए फोन आएंगे उनके अंदर आपको हो सकता है कि ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली इमेजेस देखने को मिले, क्योंकि कैमरा का हार्डवेयर अच्छा होने से सब कुछ नहीं होता, उसका सॉफ्टवेयर भी अच्छा होना चाहिए। यही एक कारण है कि गूगल पिक्सल का कैमरा भी काफी अच्छा है। और नोकिया के साथ एक और अच्छी बात है वो है उसकी प्राइसिंग। जो नोकिया के फोन है वो सैमसंग जितने एक्सपेंसिव तो नहीं है लेकिन शाओमी जितने सस्ते भी नहीं है। तो ये चीज एक काफी अच्छी चीज है क्योंकि नोकिया को हम शाओमी जैसी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि नोकिया जो है वो काफी पुराना ब्रांड है और स्मार्टफोन वर्ल्ड में पहले से है। उसे अगर
कंपेयर करना होगा तो हम सैमसंग से कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि सैमसंग से कम दाम में वो अपने फोन्स को लाते हैं, और शाओमी से थोड़े से महंगे फोन है, लेकिन ये अच्छी चीज भी है क्योंकि तो जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो वो दे रहे हो आप ब्रांडेड फोन के लिए, क्योंकि सबको पता है कि नोकिया के लिए आज भी लोगों के दिल में जगह है और नोकिया ब्रांड के लिए लोग एक्स्ट्रा पैसा देने को भी तैयार है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पैसा है इसकी अच्छी बात ये कि थोड़ी सी ज्यादा अच्छी आपको बिल्ड क्वालिटी भी मिलेगी, नोकिया का नाम भी मिलेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलेंगे जो दूसरी कंपनीज नहीं दे पा रही है, और जिस प्राइस में जो नोकिया जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट दे रहा है जिसमें जो बिल्ड क्वालिटी और जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस दे रहा है ना, वो दूसरे ब्रांड उस प्राइस में तो दे ही नहीं पा रहे हैं। तो यही कारण था कि जो नोकिया के फोन है ना वो बेस्ट है अपनी कैटेगरी में। बाकी आप लोग बताओ आप लोगों को क्या पसंद है नोकिया के बारे में नीचे कमेंट में। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।